गुड इवनिंग एवरीवन आज हम जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न बीच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिगेस्ट फोर्स इन नेचर प्रकृति में सबसे वीक फोर्स कौन सी है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल फोर्स लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर किसका यूनिट है किसकी इकाई है तो लाइट ईयर डिस्टेंस की इकाई है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन जीरो पॉइंट जीरो सिक्स नाइन जीरो जीरो इज जीरो पॉइंट सिक्स नाइन जीरो जीरो में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है तो इसकी चार है ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा फोर्थ क्वेश्चन देखिए द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इक्वल टू प्लैक्स कॉन्स्टेंट का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होता है वो होता है एंगुलर मोमेंटम के ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा बट डज दिस स्पीडोमीटर ऑफ ए व्हीकल मेजर एक वाहन का जो स्पीडोमीटर है वो क्या मापता है तो वो मापता है इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टर क्वान्टिटी इनमें से सादिश राशि कौन सी है बैक्टर क्वान्टिटी कौन सी है तो मोमेंटम जो है वो बैक्टर क्वान्टिटी है सिक्स का बी सही आंसर होगा सेवंथ क्वेश्चन देखिए द फिजिकल क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द

घर्षक गुणनाक क्या होगा यदि एक फोर्स को डबल करते हैं तो कॉपीसेंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा तो कॉपीसेंट ऑफ फ्रिक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा नाइन्थ का ऑप्शन डी सही आंसर होगा टेंथ क्वेश्चन देखिए वर्क विल सैड टू बी डन इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर कार्य हो गया ये कब कहा जाए कहा जाएगा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरलर और प्रोपेंडिकुलर होगी टेंथ का ऑप्शन डी सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल्ट जो है वो किसकी इकाई है तो इलेक्ट्रॉन बोल्ट किसकी इकाई है ये एनर्जी की इकाई है ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा द अमाउंट ऑफ ए बॉडी इज़ इंक्रीज बाई ट्वेंटी फाइव परसेंट द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाई अबाउट यदि एक निकाय के संवेग में 25 प्रतिशत वृद्धि की जाती है तो उसकी गतित ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी लगभग तो उसकी गतित ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी वो होगी 56 परसेंट ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्टींथ टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ ए मास बी फोर्स सी ब्लॉस डी काइनेटिक एनर्जी तो थर्टीन का ऑप्शन बी सही आंसर होगा फोर्स इफ़ the अर्थ shrinks टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस विदाउट चेंज इन मास यदि पृथ्वी की त्रिज्या सिकुड़ कर आधी हो जाती है उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है द ड्यूरेशन ऑफ डे विल बी तो दिन की जो दिन का जो अवधि है वो क्या रहेगी यदि पृथ्वी श्रिंक हो जाती है हाफ ऑफ इट्स रेडियस तो दिन की अवधि रहेगी फोर्टींथ का ए होगा सिक्स आवर दिन की अवधि रहेगी फिफ्टींथ क्वेश्चन देखिए ए सॉलिड डिस्क रोल्स डॉन ऑन इनक्लाइंड प्लेन फ्रैक्शन ऑफ इट्स टोटल कानेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद इस इज़ फिफ्टींथ का सही आंसर होगा ऑप्शन ए टू अपॉन थ्री दो तिहाई बट इज द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस आर अलोंग इट्स हाइट आर त्रिजिया वाले एक बेलन का उसकी ऊंचाई के अनुदिश जड़त्व आधोरण कितना होगा तो सिक्सटींथ का सही आंसर होगा ऑप्शन ए एम स्केयर अपॉन टू देंगल बिटवीन द इक्वेटोरियल प्लेन एंड द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट इज सेवनटीन का ऑप्शन ए सही आंसर होगा जीरो डिग्री एटीन क्वेश्चन देखिए द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ग्रेविटेशन की जो फोर्स है वो क्या है रिपल्सिव है इलेक्ट्रोस्टैटिक है या कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है एटीन का सी सही आंसर होगा वो कंजर्वेटिव है द ऑर्बिट ऑफ एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट अराउंड द अर्थ इजॉप अप्रॉक्सीमेटली पृथ्वी के आसपास कृत्रिम उपग्रह की कक्षा लगभग है क्या है एलिप्टिकल है पैराबोलिक है हाइपरबोलिक है या सर्कुलर है तो नाइन्थ का सही आंसर होगा ऑप्शन डी वो सर्कुलर है मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी ऑफ आइडियल फ्लूज इज इक्वल टू आदर्श द्रव का दृढ़ता गुणा क्या है तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा जीरो मॉडलस ऑफ रिजिटी ऑफ आइडियल लिक्विड इज जीरो बार किसका यूनिट है बार थ्रस्ट का है प्रेशर का है फोर्स का है या बॉयंट फोर्स का है तो बार किसका यूनिट है बार जो है प्रेशर का यूनिट है ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट पानी का घनत्व सबसे अधिक कब होता है ट्वेंटी टू देखिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चार डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है फॉर एन आइडियल कंडक्टर ऑफ हीट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज आइडियल कंडक्टर ऑफ हीट के लिए जो वैल्यू होती है वो थर्मल कंडक्टिविटी की वो कितनी होती है तो वो इन्फिनिटी होती है ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा ट्वेंटी फोर देखिए परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज वन हुज एमिशन ऑफ पावर इज एक पूर्ण कृष्ण पिंड वो है जिसकी उत्सर्जन शक्ति है ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी कौन होती है तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है जिसकी जो उत्सर्जन शक्ति है वो मैक्सिमम होती है यानी अधिकतम होती है चौबीस का आंसर सी होगा पिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमरपस सॉलिड तो एमरपस सॉलिड का कौन सा एक सही एग्जाम्पल है तो ट्वेंटी फाइव का सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्लास जो है इसका एक सही एग्जाम्पल है वैन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्रोसे पाइव इंक्रीजेज द ब्लास्टी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जब पाइप का जो एरिया होता है क्रॉस एक्शन का वो जब वो बढ़ जाता है तो जो फ्लूड की बलॉसिटी है वो क्या होती है बढ़ती है घटती है या सेम रहती है या जीरो हो जाती है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डिक्रीज़ बलॉसटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए सबस्टांस ग्रेजुअली इट्स कलर बिकम जब एक पदार्थ का हम तापमान बढ़ा देते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है ऑप्शन ए है रेड बी ग्रीन सी येलो डी वाइट तो इसका सही आंसर होगा सी येलो पीला हो जाता है द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेसो लाइज बिटवीन पॉइजन रेसो की वैल्यू किसके बीच लाई करती है तो ट्वेंटी एट का सही आंसर होगा ऑप्शन डी जीरो से जीरो पॉइंट फाइव के बीच पॉइजन रेशो की वैल्यू लाई करती है राइटिंग ऑन दी ब्लैक बोर्ड विद ए पीस ऑफ चॉक इज पॉसिबल बाई द प्रॉपर्टी ऑफ जब हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं चौक से तो वो किसके द्वारा पॉसिबल है बिस्कोस्टी के द्वारा या फिर सरफेस टेंशन के या एडीजिव फोर्स के या कोहेजिव फोर्स के तो ट्वेंटी नाइन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी वो एडीजिव फोर्स के कारण संभव है प्रेशर एग्जॉटेड बाय ए लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द्रव द्वारा जो दाब लगता है वो किस पर निर्भर करता है डेफ्थ ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ एयर द्रव के घनत्व से द्रव की गहराई से या वायु के घनत्व से या फिर दोनों बोथ ए एंड सी से तो थर्टींथ का सही आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी बोथ ए एंड सी डेफ्थ ऑफ लिक्विड से भी और टेंसिटी ऑफ लिक्विड से भी दी चेंज इन दी इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज एक चक्रिय प्रक्रिया में एक तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो कब होता है देंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इन साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो होता है या फिर पॉजिटिव रहता है या फिर नेगेटिव रहता है और मे भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है तो थर्टी वन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द सिंक टेम्परेचर ऑफ ए हीट इंजन इज सेवेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस द एफिशिएंसी इज थर्टी परसेंट सोर्स ऑफ टेम्परेचर इज थर्टी टू का जो सही आंसर हो गया सॉल्व करके इसका ए आएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा ए चाइल्ड स्विमिंग ऑन ए स्विंग इन सीटिंग पोजिशन स्टैंड अप देन द टाइम पीरियड ऑफ ए स्विंग विल जब झूले में एक बच्चा बैठा होता है वो एकदम खड़ा हो जाता है तो जो झूले का जो आवर्तकाल है जो स्विंग है उसमें क्या अंतर आता है वो इनक्री हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है या सेम रहता है या नन ऑफ दीज तो थर्टी थ्री का ऑप्शन भी सही आंसर होगा झूले का जो स्विंग है वो डिक्रीज हो जाता है डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज दो क्रमागत नोड के बीच जो दूरी होती है वो क्या है थर्टी फोर देखिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लैमडा अपॉन टू दिनोमिना ऑफ साउंड प्रोपेगेशन इज एयर इन आइसोथर्मल प्रोसेस है एडोबेटिक प्रोसेस से या फिर आइसोबारिक प्रोसेस है या फिर आइसोचोरिक प्रोसेस, आइसो प्रोसेस है जो साउंड प्रोपेगेशन का फेनोमिना है हवा में ध्वनि संचरण का वो कौन सी घटना है कौन सी प्रोसेस है तो थर्टी फाइव का सही आंसर होगा ऑप्शन बी एडियाबैटिक प्रोसेस है द लॉर्डनेस एंड पिच ऑफ ए साउंड नोट डिपेंड्स अपॉन एक ध्वनि स्तर की उच्चता और पिच किस पर आधारित है तो ध्वनि स्तर की जो लॉर्डनेस और पिच है वो किस पर आधारित है वो इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी पर आधारित है ए सीट ऑफ एलुमिनियम फॉयल ऑफ नेग्लिजिबल थेस इज़ इंट्रोड्यूस बिटवीन दी प्लेट ऑफ ए कपेस्टर दपेस्टेंस ऑफ ए कपेस्टर जब कपेस्टर के बीच हम एलुमिनियम फॉइल की जो थिकनेस नेगलिजिबल uh, थिकनेस की जो सीट इंट्रोड्यूस लग लगाते हैं बीच में अगर हमने कपेस्टर के बीच में जो एलुमिनियम फॉइल है वो लगा दी तो जो कपेस्टर का कपेस्टेंस है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है वो इंक्रीज हो जाता है या फिर इनफाइनाइट हो जाता है या फिर रिमेन अनचेंज रहता है या फिर डिक्रेज हो जाता है तो थर्टी सेवन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी रिमेन अनचेंज थर्टी सेवन का ऑप्शन बी रिमेन अनचेंज थर्टी एट देखिए द डायलैक्ट्रिक बिटवीन द कंडक्टर्स रिड्यूस द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बाहकों के बीच परावैद्युत विद्युत तीव्रता को जब डायलैक्ट्रिक होता है कंडक्टर के बीच में तो वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को क्या करता है वो ज़ीरो कर देता है या उनके टू जीरो या उनके बीच रहती है या फिर नो no चेंज या ऑफ दीज तो थर्टी एट का सही आंसर होगा ऑप्शन बीस का सही आंसर होगा बिटवीन चलते हैं एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ऑन द इक्वेटोरियल लाइन भू मध्यवर्ती रेखा पर विद्युत द्विध्रुव आधुर और उसके कारण विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य के बीच कोण क्या होगा तो थर्टी नाइन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी वन एटी डिग्री का कोण होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कैपेसिटेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंडक्टर या फिर साइज ऑफ कंडक्टर या फिर थिकनेस ऑफ कंडक्टर तो वो किस पर डिपेंड करता है वो साइज ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है फोर्टी वन देखिए ए हॉलोस्पेयर ऑफ चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक आवेशित खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा इंटीरियर पॉइंट या फिर आउटर पॉइंट या बियॉन्ड टू मीटर या बियॉन्ड टेन मीटर तो फोर्टी वन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंटीरियर पॉइंट वैन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेज इज इंक्रीज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जब दो आवेशों के बीच पृथकता बढ़ती है तो तंत्र की विद्युत विभव ऊर्जा क्या होती है समान रहेगी रिमेन दी सेम मे इंक्रीज और डिक्रीज या फिर इनक्रीज या फिर डिक्रीज तो फोर्टी टू का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मे इनक्रीजेज और डिक्रीज दी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा SI यूनिट क्या है तो ऐसा SI यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्टी थ्री का सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा ए बायर ऑफ रेजिस्टेंस टेन ओहम इज इलोंगेटेड बाई टेन परसेंट द रेजिडेंस ऑफ इलोंगेशन वायर इज़ तो इसका रेजिडेंस कितना होगा फोर्टी फोर का सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा ओह ला इज़ नॉट ओबेड बाई इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्चार्ज ट्यूब वैक्यूम ट्यूब या ऑल ऑफ दीज ओम ला का किसके द्वारा पालन नहीं किया जाता या किसके द्वारा पालन नहीं होगा फोर्टी फाइव का सही होगा डीज ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा फोर्टी सिक्स देखिए बिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसका है जर्मेनियम का है आयरन का है एल्यूमिनियम का है या फिर कॉपर का है तो जर्मेनियम का है ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा दी मटेरियल सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैगनेट्स शुड हैव जो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उसमें क्या होना चाहिए तो जो विद्युत चुंबक बनाने के लिए मटेरियल यूज किया जाता है उसमें लो रिटेंटिविटी और लो कोरिसिविटी होनी चाहिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डोमेन फॉर्मेशन इज नेसेसरी फीचर ऑफ डोमेन फॉर्मेशन किसका नेसेसरी फीचर है फोर्टी एट का सी सही आंसर होगा फेरो मैग्नेटिज्म का फोर्टी नाइन देखिए वन टेस्ला इज इक्वल टू एक टेस्ला किसके बराबर होता है फोर्टी नाइन तो एक टेस्ला किसके बराबर होता है ऑप्शन बी टेन रिज टू पावर फोर गॉस के बराबर होता है एक टेस्ला द एंगल बिटवीन द अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस एंड अर्थ जियोग्राफिक एक्सीज अर्थ की जो मैग्नेटिक एक्सिस है जो और अर्थ की जियोग्राफिक जियो एक्सिस है उसके बीच एंगल क्या होता है तो उसके बीच का एंगल होता है ट्वेंटी थ्री डिग्री उसके बीच एंगल होता है ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल मीटर इज इक्वल टू

परिवर्तित नहीं होती अनचेंज रहती है तो फिफ्टी थ्री का ऑप्शन सी सही आंसर होगा फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक हैज कोर ऑफ रेडियो आवृत्ति चौक की करोड़ होती है एयर की आयरन की एयर एंड आयरन की नन ऑफ दीज की तो फिफ्टी फोर का सही आंसर होगा ऑप्शन बी आयरन की एन इंडक्शन फर्नेस वर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जो फरनेस होती है भट्टी होती है वो कौन से प्रिंसिपल पर कार्य करती है तो फिफ्टी फाइव का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, करंट्स पर वो कार्य करती है ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा विच ऑफ लॉन्गेस्ट वेव में से सबसे लंबी तरंग कौन सी है रेडियो वेव है फिर या फिर गामा रेज है या माइक्रोवेव है या एक्स रेज है तो फिफ्टी सिक्स का सही आंसर होगा ए रेडियो वेव जो है सबसे लंबी वेव है ओजोन लेयर प्रेजेंट इन ओजोन लेयर किस में पाई जाती है ट्रोपोस्पेयर में स्टेटोस्पय में आइनोस्फेयर में या फिर मेजोस्फेयर में तो ओजोन लेयर किस में पाई जाती है फिफ्टी सेवन का बी सही आंसर होगा ओजोन लेयर स्टेटोस्फेयर में पाई जाती है ह्यूगन वेब थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन जो ह्यूगेन वेव थ्योरी है लाइट की वो क्या एक्सप्लेन नहीं करती तो वो क्या एक्सप्लेन नहीं करती फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो एक्सप्लेन नहीं करती ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा फिफ्टी नाइन देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रकाश का फैलना किसका प्रत्यक्ष परिणाम है तो प्रकाश का फैलना किसका प्रत्यक्ष परिणाम है इंटरफेरेंस का है या डिस्पर्सन का है या फिर डायफ्रैक्शन का है या फिर रिफ्लेक्शन का है तो फिफ्टी नाइन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी ये डिफ्रैक्शन का कॉन्सिक्वेंस है डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर डॉपलर इफेक्ट किस पर लागू होता है लाइट वेव्स पर साउंड स्पेस वेवस पर बोथ ए एंड बी तो सिक्सटी का सही आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन इज इल्यूमिनेशन का जो यूनिट है वो क्या है सिक्सटी वन का सही आंसर होगा लक्स एल यू एक्स लक्स जो है इल्यूमिनेशन का यूनिट है लक्स ए वर्चुअल इमेज लार्जर दी ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाई वस्तु से बड़ी आभासी प्रतिकृति उत्पन्न की जा सकती है किसके द्वारा कनकेव मिरर, कन्वैक्स मिरर, प्लेन मिरर या फिर कनकेव लेंस के द्वारा तो 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन है कनकेव मिरर के द्वारा द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू ऑफ आकाश का जो नीला रंग है वो किसके कारण होता है रिफ्लेक्शन के कारण रिफ्रैक्शन के कारण स्कैटरिंग के कारण या फिर डिस्पर्सन के कारण तो सिक्सटी थ्री का सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्केटरिंग के कारण द रेडियो एक्टिव आई सो यूज टू स्टडी थायराइड ग्लैंड इज जो थायराइड ग्लैंड जो होती है हमारी थायराइड ग्रंथि उसको अध्ययन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो सिक्सटी फोर का सही आंसर होगा ऑप्शन डी आयोडीन का उसके लिए उपयोग किया जाता है उसको स्टडी करने के लिए सिक्सटी फाइव देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेमी कंडक्टर में से कौन सा सेमी कंडक्टर नहीं है तो सिक्सटी फाइव का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्सैनिक जो है वो सेमी कंडक्टर नहीं है बट इज़ दी मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें कार्बन की कितनी प्रतिशतता होती है द्रव्यमान होता है तो सिक्सटी सिक्स का सही आंसर होगा ऑप्शन ए ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू सेवन परसेंट उसका द्रव्यमान होता है द नंबर ऑफ एटम इन फोर पॉइंट टू फाइव ग्राम ऑफ एन एच थ्री अप्रॉक्सीमेटली फोर पॉइंट टू फाइव ग्राम एमोनिया में परमाणुओं की संख्या लगभग कितनी होती है सिक्सटी सेवन सिक्सटी सेवन का ऑप्शन डी सही आंसर होगा ट्वेंटी थ्री द रेडियो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन के रेडियो समस्थानिक क्या हैं कौन से हैं तो हाइड्रोजन के जो रेडियो समस्थानिक हैं वो कौन है सिक्सटी एट का ऑप्शन डी ट्रिटियम इसके समस्थानिक हैं ऑप्शन डी सिक्सटी नाइन देखिए द आइसो इलेक्ट्रिक स्पीसीज आर तो आइसो इलेक्ट्रिक स्पीसीज कौन सी हैं ध्यान से देखिए सिक्सटी नाइन का तो सिक्सटी नाइन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा एफ नेगेटिव ओ टू नेगेटिव विच ऑफ़ दज दॉनिकल ऑर्बिटल फॉर द इलेक्ट्रॉन निम्निप्त में से किस में इलेक्ट्रॉन की अगोलीय कक्षा होती है तो इलेक्ट्रॉन की अगोलीय कक्षा किसमें होती है ऑप्शन बीस का सही आंसर होगा द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन दिडिक्टेबल इज अवर्तारणी में समूहों की संख्या कितनी है जो प्रियोडिक्टेबल होता है उसमें ग्रुप की संख्या कितनी होती है आपने पढ़ा होगा प्लस वन प्लस टू में तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सेवनटी एट का डी सही आंसर होगा तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था इसके बाद भी हम कल भी साइंस के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जैसे एच पुलिस हो गया टैट हो गया या फिर टी पीजीटी का कमीशन हो गया उनके लिए क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है खासकर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए तो आज के लिए इतना ही बाकी थैंक यू मिलते हैं अगली वीडियो में